वो दिन याद करो जब तुम रिजल्ट चेक करोगे, लिखा हुआ होगा कॉलेज टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर। वो दिन कैसा होगा जब तुम्हारा अड़ोस पड़ोस के लोग तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बात करेगा। वो माँ वो बाप को कितना प्राउड होगा अपने और अपने बच्चे के ऊपर। जरा सोचो इस पल को जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारा यार तुझे कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा। वो थैंक्स कितना अच्छा होगा जो तुम्हारा मुंह से निकलेगा। लेकिन गाइस यहाँ सवाल आता है कि आखिर टॉपर बनना कैसे है, एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर कैसे बन जाता है, लेकिन वही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट टॉपर नहीं बन पाता है। आखिर टॉपर बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, नॉलेज या फिर इंटेलिजेंट या कुछ और, बताएंगे इस वीडियो में। टॉपर अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम्स को समझना पड़ेगा। एग्जाम्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, लिखित एग्जाम और मौखिक एग्जाम। मौखिक एग्जाम का मतलब होता है जो आमने सामने में सवाल किया जाता है, जिसको हम ओरल एग्जाम कहते हैं। इसमें आपका इंटेलिजेंट को चेक किया जाता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन गाइस जो बोर्ड एग्जाम होता है ये लिखित एग्जाम होता है, और लिखित एग्जाम में ना आपका नॉलेज ना आपका इंटेलिजेंट को टेस्ट किया जाता है, बल्कि लिखित एग्जाम में आपका मेमोरी को टेस्ट किया जाता है कि आपका मेमोरी कितना चीज को इकट्ठा करके उसको अच्छे से लिख पाता है। आपने ये चीज गौर किया होगा कि जब आप कोचिंग में या स्कूल में टेस्ट एग्जाम देने जाते हैं तो सब कुछ अच्छा से याद होता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कुछ और लिख देते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऑप्शन को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपका रिकॉलिंग पावर मेमोरी कमजोर होता है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को सही से लिख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मेमोरी को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको रिकॉलिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन गाइस मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करना होगा और कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो बता दें कि आपको कुछ चीज नहीं करनी है, जैसे ज्यादा रील शॉर्ट वीडियो फालतू के वीडियो नहीं देखने हैं। मास्टरबेशन से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, नेगेटिव चीजों को छोड़ना होगा, और खाने में आपको ज्यादा फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है। जितना हो सके साग सब्जी खाएं और विटामिन सी वाला डाइट खाएं, फल फ्रूट का सेवन करें। ये तो बेसिक बात हो गई, लेकिन मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, और 21 दिन के अंदर आपका मेमोरी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा काम करने लगेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल में एक गेम इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सूटर टेबल। इसमें आपको कई सारे नंबर दिए होते हैं अल्टरनेटिव करके, और इसमें आपको सीरियल नंबर को पहचानना होता है, और इसको आप कितने सेकंड में सॉल्व करते हैं या आपका मेमोरी पर डिपेंड करता है। 21 दिन तक इस गेम को खेलो, फिर देखना कितना बदलाव आता है। और ध्यान में रहे कि इस गेम को दिन में 20 से 25 मिनट ही खेलना है। अब दूसरा काम आपको ये करना है, एक हाथ से ओके का साइन बनाना है और दूसरे हाथ से विन का साइन बनाना है, और इसी प्रोसेस को कम से कम 10 बार करना है हर दिन। इससे आपका ब्रेन किसी भी चीज को पढ़ के या सुन के फास्ट में उसका रिप्लाई दे पाएगा। तीसरा, आपको छोटे छोटे कामों को उल्टा हाथ से करना है, यानी अगर आप जब मोबाइल चलाते हो तो उल्टा हाथ से चलाओ, यानी आप राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से चलाइए, अगर आप लेफ्ट हैंड है तो आप राइट हैंड से चलाइए। इससे ये होगा कि आप अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। आप कंघी करते हैं तो उल्टा हाथ से कीजिए, मतलब छोटे छोटे कामों को जो आप डेली लाइफ में करते हैं वो उसको उल्टा हाथ से कीजिए। इससे ये होगा कि दिमाग आपके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि दिमाग हमेशा चाहता है कि आप कोई भी काम राइट हैंड से करें, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड से करेंगे तो दिमाग में एक मैसेज जाएगा, यानी कि आपका माइंड जो चाहता है उसका उल्टा काम कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और आपको अगर टॉपर बनना है तो आपको हर दिन कोचिंग जाना है, सेल्फ स्टडी कम से कम 6 घंटा करना है, और फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने इस वीडियो में जो भी चीज बताए हैं उसको फॉलो कीजिए और एग्जाम पैटर्न्स को समझिए, फिर आप टॉपर बन जाएंगे। अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए टॉपर बनिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने दोस्त यार के लिए टॉपर बनिए। और गाइस अगर आप अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने मुझ पर भरोसा करके पूरा वीडियो देखा। लेकिन पूरा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अगर पूरा वीडियो आप देख लिए हैं तो इस वीडियो में जो भी चीज बताए हैं उसको फॉलो कीजिए। चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।